Hello friends, welcome to Selection Mentor. Selection Mentor में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। देखिए, last class जो हमने कल करी थी, उस last class के अंदर हमने reasoning के ही कुछ questions देखे थे, जो NTPC में आए हुए थे। उसी series को आगे बढ़ाते हुए हम एक और paper consider कर रहे हैं। उस पेपर के अंदर भी जितने रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखो, क्वेश्चन का लेवल ज्यादा टफ नहीं रहता, ये आप ऑलरेडी देख भी चुके हो और अगर आपने थोड़ा बहुत स्टडी किया हो तो आपको समझ भी आया होगा। आपको सिर्फ यही करना है कि आपको अपनी स्पीड बढ़ा के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी विद एक्यूरेसी क्वेश्चंस करने, ठीक है। उन क्वेश्चंस की एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और टाइम भी कम लगना चाहिए ताकि हम उस टाइम को अपने जीएस के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर दे सकें, ठीक है, क्योंकि वहां पे थोड़े अच्छे लेवल के और क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो रीजनिंग को स्कोरिंग बनाना है, साथ ही साथ उसको एफिशिएंट भी बनाना है, ठीक है। तो आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी मैंने देखे थे, आपके कमेंट्स में ये था कि सर इंग्लिश में नहीं दे रहे हैं आप और इंग्लिश में भी डेटा प्रोवाइड करा दीजिए और सर बहुत इजी क्वेश्चंस आप करा रहे हैं, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराइए। तो बेटा देखो, आपको अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा। मॉर्निंग की कुछ क्लासेस में ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं क्वेश्चन रीजनिंग के अच्छे लेवल के करा रहा हूँ, अलग अलग टॉपिक के भी लेके आऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे डिमांड है NTPC के रिगार्डिंग, ठीक है। इसलिए हम सबसे पहले फोकस कर रहे हैं NTPC के प्रीवियस ईयर सेट्स पे। जितनी जल्दी हम ये सेट्स कवर करेंगे तो हमारे कम से कम क्वेश्चंस माइंड में बन जाएंगे, मेकअप हो जाएंगे कि भैया इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और जो टॉपिक फिर इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, क्लॉक हुआ, कैलेंडर हुआ, डाइसन क्यूब्स हुआ, लॉजिकल हुआ, ये टॉपिक्स मैं आपको फिर पढ़ा दूंगा क्योंकि अभी NTPC में टाइम है। तो इसलिए हम सबसे पहले अपने सेट्स को, जो पेपर के सेट्स प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिर थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर वन। अभी तक जितनी देर में मैंने ये कहा उतनी देर में आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व कर भी लिया होगा। तो यहाँ पे ये बताना है कि इस सीरीज के अंदर क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो +3 का आ रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस आपके पास अगर आप देखोगे तो +4 का दिखेगा, यहाँ आपको +5 का दिखेगा, तो यहाँ कितने का आ जाएगा, +6 का। तो आंसर क्या आ जाएगा, 44। टाइम वेस्ट किए बिना हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन ईजी है उस पर हम भी फोकस नहीं करेंगे, जल्दी उन्हें खत्म करेंगे। देखो ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे होगे तो ये ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है और ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चंस अच्छे लेवल के भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं। तो ये टॉपिक भी मैं आपको कराऊंगा, जो क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर, मतलब 14th नंबर पे यदि कोई व्यक्ति बैठा है दोनों ही तरफ से, तो कुल कितने लोग हैं। देखो जब ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 28 हो गए, इधर से भी वो 14 है उधर से 14 है, जबकि ऐसा नहीं होता। देखो अगर ये लेफ्ट कॉर्नर है, ये राइट कॉर्नर है और ये वो व्यक्ति है जो 14th नंबर पे बैठा है, मैंने सपोज आर मान लिया, लेफ्ट से भी 14th है और राइट से भी 14th है, इसका मतलब लेफ्ट से, ये राम का नाम लिख देते हैं, ये लेफ्ट से इसके और लेफ्ट कॉर्नर के बीच में यहाँ कितने लोग हैं, टोटल 13, स्टार्टिंग से इससे पहले इधर 13 है और ऐसे ही राइट और इसके बीच में भी यहाँ राइट कॉर्नर से कितने लोग हैं, 13। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो ये राम खुद एक हो गया और 13 और 13 कितने हो गए, 13 + 13 मेरे पास में 26 हो गए और एक खुद राम हो गया, तो टोटल लोग कितने हो गए, 27। तो आंसर इज 27। ये तो लॉन्ग मेथड हो गया, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट करना है, आपको पता है कि जो राम है 14th नंबर पे है दोनों जगह से, तो एक से तो उसको 14 में काउंट कर लो और दूसरे से 13 तक के लोगों को उसमें ऐड कर दो, तो 14 + 13 आपका आंसर हो जाएगा कितना, 27। बात यहां तक समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो फिर वापस से आगे चलते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। इस क्वेश्चन के यदि मैं देखूं तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आप देखोगे तो बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखो कोशिश किया करो ऐसे ही कर लें, लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो हम उसको नीचे लिख करके भी कर सकते हैं ताकि हमारे को थोड़ा सा ईजी रहे क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। ये हमारे पास में कोड है इसका और अगर आप गौर से इसको देख पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि जे की नंबरिंग 10 होती है और ई की 5 होती है, इनका डिफरेंस है -5 का, मतलब 5 कम हो गया जे से ई में, ठीक है। ऐसे ही एस की जो नंबरिंग होती है वो 19 होती है और एन की 14 होती है, तो इनका भी जो डिक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे वो कितना हुआ है, 5 का। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा अब कुछ है जैसे एस का एंथ है, ये तो मुझे समझ में आ गया, यहाँ पे -5 है और यू से पी है, तो यू मुझे पता है 21 होता है, पी 16 होता है, यहाँ पे भी कितना डिफरेंस है, -5। लेकिन मुझे चेक करना है ई से डी का,
तो देखो जब आप ई से डी की बात करोगे कि ई से सॉरी डी क्यों ई से जेड की बात जब आप करोगे तो ई की नंबरिंग होती है 4 और जेड की होती है 26, मतलब आखिरी लेटर। तो आप जरा कोशिश करके देखो, अगर मैं जेड लिखता हूँ ए बी सी डी ई, तो अगर आप देखोगे तो ई में से यदि 5 माइनस करोगे तो एक खुद ई माइनस हो गया, डी 3 4 5, तो आप किस पे आओगे, जेड पे आओगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे भी आपको यही चीज चेक करनी है। तो ई में से भी जब आप 5 माइनस करोगे तो आप जेड पे ही पहुंचोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे की पूरे वर्ड के लिए जो कोड आ रहा है ये हर लेटर का उसके नेक्स्ट जो लेटर आ रहा है मतलब उसके नीचे जो लेटर आ रहा है उसमें -5 हो रहा है। तो यही काम आपको यहाँ करना है। जब आप यहाँ ये काम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जे के लिए तो हम ऑलरेडी अभी कर चुके हैं ई, है ना। ए को और सी को छोड़ दो, के की यदि मैं बात करता हूँ तो के कितना होता है 11, और 11 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एफ आ जाएगा 6। ठीक है, ए की मैं बात करूं तो देखो ए में भी वही केस है आपके पास जैसे आपने किस में देखा, जैसे अभी आपने देखा यहाँ पे ई में। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो ई और एफ वाले छांट लेता हूँ। देखो इसमें ई और एफ नहीं है तो ये गलत हो गया, और इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया। अब दो ही बचे, वी एक्स वाला और एक वी डब्ल्यू वाला। तो देखो ए का तो वी हो ही जाएगा क्योंकि देखो वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए 5 माइनस कर दो तो आप वी पे ही आओगे। ठीक है, तो वी तो आ ही गया। अब देखना है एक्स और जेड डब्ल्यू है क्या, तो मैं एक बार एक्स को लेके देखता हूँ। तो देखो एक्स वाई जेड ए बी सी, जब आप काटोगे तो 1 2 3 4 5 कट गए, कौन बचा, एक्स बचा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ईवी एक्स एफ। बात समझ में आ रही है? ये चीज आपको बिना ऐसे काटे हुए भी आनी चाहिए। वो कैसे आएगी, जैसे मैंने बोला ए, तो ए खुद खुद तो कट गया, आप कितने और काटने हैं, 4। टोटल कितने होते हैं 26, 26 में से 4 माइनस करोगे तो 22 आएगा ना, और 22 किसके लिए होता है, वी के लिए। तो आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में स्कूल को, कूट भाषा मतलब होता है कोडेड लैंग्वेज में, ठीक है, कोडेड फॉर्म में यदि कि स्कूल को ये लिखा जाता है तो बताइए कॉलेज को तो लिखा जाता हो तो कॉलेज शब्द के लिए बीच का अक्षर क्या होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो यहाँ देखो स्कूल के लिए कोडिंग की गई है। तो स्कूल के लिए जब कोडिंग आप करोगे तो स्कूल की कोडिंग कैसे की गई है ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये मैंने एफ लिख दिया, पी हो गया, यू बी बी वाई। बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एच, एक काम करो ओ से बी पे आओ क्योंकि ये 2 बार है तो यहां से मुझे पता लग जाएगा। तो ओ की नंबरिंग 15 होती है और बी की नंबरिंग 2 होती है, डिफरेंस कितने का आया, -13। तो दोनों जगह पे -13 हो रहा है। जब चेक करते हैं कि सब जगह पे -13 है, देखते हैं एल की नंबरिंग कितनी होती है, 12। 12 तो माइनस हो गए, जेड पे आ गए, एक जेड और काट दो, 13 माइनस किस पे आ जाना चाहिए, वाई पे, ये भी 13 है। एच की नंबरिंग को छोड़ दो, थोड़ी देर एस पे आ जाओ, एस की नंबरिंग कितनी होती है, 19। 19 में से 13 गए तो 6 बचा। तो अब मुझे समझ में आ गया कि इन सब में ही -13 हो रहा है। क्लियर है यहां तक? तो इन सब में यदि -13 हो रहा है तो आपको बताना है कि बीच का जो अक्षर है वो क्या होगा। तो बीच का अक्षर क्या हो गया यहाँ पे, मैं अगर कॉलेज की बात करता हूँ तो बीचों बीच में कौन है, एल है। ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, तो बीचों बीच में कौन है, एल है। पूरे का नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, यदि इसका कोड ये है तो बताइए कि कॉलेज शब्द के लिए बीच का अक्षर क्या होगा, कॉलेज शब्द के लिए बीच का अक्षर क्या होगा। तो एल की नंबरिंग कितनी थी, 12, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, वही जैसे ऊपर हमारे पास एल के लिए वाई आया था तो यहाँ भी एल के लिए क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से? ठीक है, बाकी सब लेटर के भी निकाल लोगे, कैसे निकालना है मैं बता चुका हूँ। एक उठा लेते हैं, जैसे मैंने ई उठा लिया, ई को उठाया तो ई की नंबरिंग होती है 5, तो पहले मुझे 13 में से 5 माइनस कर दो, 5 अगर मैं 13 में से माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। अब 8 को किस में से माइनस करना है, 26। तो 26 में से जब आप 8 माइनस करोगे तो 18 आ जाएगा, और 18वें नंबर पे कौन बैठता है, आर बैठता है। तो इस ई का कोड क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो मैंने इसीलिए आपको स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स थे उनमें अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ाया था क्योंकि बिना अल्फाबेट की नंबरिंग के आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अल्फाबेट्स की नंबरिंग आनी जरूरी है। यहां तक क्लियर है? तो चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है आपके पास, कथन को पढ़ें और उसके अनुसार निश्चित रूप में सत्य है ये बताना है। ठीक है, अब जब निश्चित रूप में सत्य है मुझे अगर ये बताना है तो इस वाले क्वेश्चन के लिए मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे क्या करना है। तो देखो सभी आम मीठे हैं, ठीक है, अब अगर सभी आम मीठे वाला केस है तो ये कुछ कुछ सिलॉग जैसा जा रहा है। अगर ये कुछ कुछ सिलॉग जैसा जा रहा है तो मुझे इसके अंदर चेक करना पड़ेगा एक बार कि
इन सबका मैं एक डायग्राम बनाऊं कि मैं बिना डायग्राम बनाए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, ये चीज मुझे चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं जरा एक बार। यहां पे अगर मैं चेक कर पा रहा हूं तो मेरे पास में यहाँ पे अगर मैं चेक कर पा रहा हूं तो सभी आम मीठे हैं। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हेतु निम्नलिखित कथन को पढ़ें। ये कथन है सारे, सभी आम मीठे हैं, तो सभी आम मैंगो मीठे हैं, स्वीट हैं, सभी आम स्वीट हैं। ठीक है, कुछ सेब मीठे हैं, तो कुछ सेब मतलब एप्पल मीठे हैं। ठीक है, सभी गोलाकार फल मीठे हैं, जो गोलाकार फल जितने भी होंगे वो सभी मीठे हैं। तो ये क्या हो गया, गोलाकार फल, ये मतलब राउंड फ्रूट, सर्कुलर बोल दो या राउंड फ्रूट बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो गोलाकार फल मीठे हैं। ठीक है, और जेली एक मीठा फल खा रही है, तो जेनी एक मीठा फल खा रही है, तो मीठा फल कौन कौन से हो सकते हैं, मैंगो हो सकते हैं, सर्कुलर फ्रूट हो सकते हैं, कुछ एप्पल हो सकते हैं और स्वीट्स भी हो सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है, जेनी मीठा फल खा रही है, मतलब स्वीट्स के अंदर जो जो भी आ रहे हैं वो खा सकती है। चलिए, तो निश्चित रूप से सत्य जो है वो है मुझे। चलिए चेक करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं चेक करना चाहूँ तो लिखा हुआ है जेनी एक सेब खा रही है, एक सेब खा रही है, ये डेफिनेट नहीं है, वो इधर का भी हो सकता है, स्वीट वाला फल भी हो सकता है और विदाउट स्वीट भी हो सकता है, तो ये निश्चित रूप से सही नहीं है। जेनी को नींबू पसंद नहीं है, नींबू की तो हमने कहीं बात भी नहीं करी है, लेमन की, ये भी गलत है। जेनी एक नारंगी खा रही है, ये भी गलत, क्योंकि ऑरेंज का भी हमने कहीं जिक्र नहीं किया है। और जेनी आम खा रही है, इसकी संभावना सबसे ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि जेनी आम खा रही है, केवल इसकी संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि सारे आम स्वीट्स के अंदर है, सबसे ज्यादा संभावना किस बात की हो सकती है कि वो आम खा रही है। यहां तक बात क्लियर है, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबल आंसर इन चारों में से कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई सबको, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा करूं, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि जब कोई चीज डेफिनेट होती है तो उसकी पॉसिबिलिटी को हम कंसीडर नहीं करते, इसलिए मैंने कहा था मोस्ट प्रोबेबल आंसर। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल आंसर के तौर पे जेनी आम खा रही है, इसकी संभावना सबसे ज्यादा है, ये सही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे संभावना की बात अगर मैं करूं तो उस केस के अंदर भी जेनी आम खा रही है, ये सबसे ज्यादा सही है, ठीक है। तो फोर्थ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक अलग है। तो देखो यहाँ पे अगर निम्न में से कौन सा अलग है तो यहाँ पे आईएनजी के तौर पे नहीं बताना है कि कौन सा अलग है, यहाँ पे आपको कैसे बताना है मैं बताता हूँ। देखो, रनिंग के अंदर, जॉगिंग के अंदर और जंपिंग के अंदर, इन तीनों में हमें मोशन करना पड़ता है, कोई ना कोई मोशन हम करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम योगा करते हैं तो हम सिटिंग पोस्चर होती है, स्टेबल पोस्चर के अंदर योगा करते हैं, तो ठीक है। तो रनिंग हुआ, जंपिंग हुआ, जॉगिंग हुआ, ये तीनों ही वॉक वाली कंडीशन है, जब या तो कूद रहे होते हैं या चल रहे होते हैं या भाग रहे होते हैं, ठीक है। पर योगा एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर इनमें से हम कोई काम परफॉर्म नहीं करते, तो योगा, नॉर्मल योगा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। योगा भी बहुत तरीके के होते हैं, पर हम योगा जो बेसिकली कंसीडर करते हैं वो यही करते हैं कि भैया हम ध्यान में हैं, या बिना हिले डुले हम कोई काम कर रहे हैं, या हम प्राणायाम कर रहे हैं, या अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो उसके अंदर मोशन नहीं होता, वो स्टेबल होता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको डिफर कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे भी हमें यही बताना है कि कौन सा इनमें से अलग है। तो जब मुझे यहाँ पे भी यही बताना है कि कौन सा अलग है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि गाय, डायनासोर, शेर, सांप और बंदर, ठीक है, इन सब के अंदर में से क्या चीज अलग है। तो देखो, अगर मैं गाय की बात करता हूं तो ये एग नहीं देती है, ठीक है, गाय नहीं देती है एग। और अगर मैं बात करूं बंदर की, तो बंदर भी नहीं देता और शेर भी नहीं देता, सांप और डायनासोर देते हैं। तो इसके बेसिस पे एक जना अलग नहीं हुआ, इसका मतलब ये कंसिडरेशन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा कंसिडरेशन हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, कि डायनासोर की अगर मैं बात करता हूं या शेर की अगर मैं बात करता हूं, तो गाय, शेर, सांप और बंदर ये वो सारी प्रजातियां हैं जो अभी एग्जिस्ट करती हैं, और डायनासोर एक ऐसी प्रजाति है जो एग्जिस्ट नहीं करती है, इसके बेसिस पे हम बात कर सकते हैं एक। और दूसरी बात यदि हम करना चाहें तो और क्या कर सकते हैं इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं जाइंट की फॉर्म में, लेकिन वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। कंसिडरेशन क्या होगा, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस के बेसिस पे गाय, शेर, सांप और बंदर चारों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन डायनासोर एग्जिस्ट नहीं करता। यहां तक मेरे हिसाब से सबको बात क्लियर हो गई होगी। तो इसका आंसर हम क्या मार्क कर सकते हैं, इसका आंसर हम मार्क कर सकते हैं डायनासोर। तो डायनासोर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।
देखो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर थोड़ी सी बेसिक नॉलेज की हमें जरूरत होती है, जो कि हमें नीड होती है कि भाई ये पता होना चाहिए आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको कर लेंगे इजीली। यहाँ उसने बोला है कि प्लस का मतलब माइनस है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए उन्हें मेंशन कर लो या तो, और अगर माइंड में रख सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है और डिवाइड का मतलब प्लस है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन जब आए, क्योंकि मुझे यहाँ बोर्ड मास लगाना पड़ेगा, तो पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड हो गया, ठीक है, 3 हो गया, प्लस का मतलब माइनस हो गया, तो पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। माइनस का मतलब मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड का मतलब प्लस हो गया। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 3 और 7, जब ये डिवाइड वाली फॉर्म आएगी मेरे पास में, तो क्या क्या हो सकता है। देखो 7 बाई 3 पहले मैं परफॉर्म करूंगा इसके अंदर, ठीक है। तो 7 बाई 3 अगर मैं परफॉर्म करूंगा, तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि 7 बाई 3 को परफॉर्म करेंगे जब अपन, तो 7 बाई 3 माइनस 2 ये हो गया हमारे पास में। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ब्रैकेट की फॉर्म में, मल्टीप्लाइड बाई 6, ठीक है, और प्लस का 4, तो इसको सॉल्व करोगे तो नीचे 3 आ गया आपके पास में, ऊपर 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 7 है, 3 और 2 6, माइनस करोगे तो 1/6, 1/3, और ये 6 मल्टीप्लाई में और प्लस का 4, तो ये दो बार कट जाएगा और 2 प्लस 4 हो जाएगा 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। बात क्लियर हो गई। हमने यहाँ क्या लगाया है, हमने यहाँ इजीली बोर्ड मास लगाया है, बोर्ड मास, ठीक है। तो बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट हो गया आपके पास में, यहाँ क्या क्या यूज आ रहा है, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो बेसिक फंडामेंटल है। अगेन एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास में कि पेन का लेखक, लेखक मतलब लिखने वाला, तो पेन का लेखक से वही संबंध है। पेन का यूज कौन करता है, लेखक करता है। उसी तरह सुई का यूज कौन करता है, दर्जी करता है। जिस तरह पेन का यूज लेखक करता है, उसी तरह सुई का यूज कौन करता है, दर्जी करता है। बात समझ में आ गई सबको। चलिए तो फिर आगे आते हैं नेक्स्ट। एक निश्चित भाषा मतलब वापस कोडिंग फॉर्म की बात की जा रही है, और पोर्ट का कोड ये दे दिया गया है, ठीक है, और MUCE का कोड ये दे दिया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कोडिंग है ये डायरेक्ट चल रही है, ठीक है, क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो ये सारे के सारे लेटर आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो कुछ नहीं करना, पोर्ट के कोड केवल और केवल 2 है डायरेक्टली, तो P की कोडिंग में 2 लिख सकता हूँ। U डायरेक्ट मुझे दिया हुआ है 5, मैं दूसरे कोड से U को 5 ले सकता हूँ, ठीक है। T का कोड मुझे 1 दिया हुआ है, E का कोड मुझे 8 दिया हुआ है, R का कोड मुझे 9 दिया हुआ है, M का कोड मुझे 6 दिया हुआ है, O का कोड मुझे 4 दिया हुआ है, और C का कोड मुझे 3। ये हो गया मेरा आंसर 3463। उस 3463 यहाँ पे मेरे पास में 3463 मुझे कहीं दिख रहा है, 5189। तो देखो P का कोड क्या था, 2, सॉरी ये 2 है, तो 3462, तो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखो वापस कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन है, क्या करना है इसके अंदर, इनके बीच में साइन बताने कि कौन से साइन से मुझे 14 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो प्रतीक के रूप में यदि मैं बात करता हूँ तो मुझे 14 चाहिए, तो मेरे को लिख लिख के एक एक को सॉल्व नहीं करना, मैं डायरेक्ट करूंगा। देखो मल्टीप्लाई पहले आएगा, इधर डिवाइड पहले आएगा, तो अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई लगा देता हूँ या डिवाइड लगा देता हूँ या प्लस लगा देता हूँ, तो उस केस के अंदर पहले डिवाइड हो जाएगा, तो इन दोनों को मिला के 1 बन जाएगा, प्लस को छेड़ा नहीं है, और 7 × 7 41 हो जाएगा। ये आंसर नहीं देगा पहला वाला, समझ में आ गई, क्यों नहीं देगा। सेकंड पे आते हैं, डिवाइड है तो 7 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो ये तो 1 मिल जाएगा, ये प्लस का साइन आ जाएगा और 7 7 41, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी वही चीज बन रही है, ठीक है। माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो पूरा ही 0 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर ये होना चाहिए। करके देख लेते हैं एक बार, 7 + 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 7, तो पहले डिवाइड करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे और 7 जोड़ दोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 + 7 = 14। बात समझ में आ रही सबको। चलिए फिर आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, बोला गया है कि पी ए के पिता है, तो यदि पी ए के पिता है तो मैं इस तरीके से फॉर्म कर लेता हूँ, पी इज द फादर ऑफ ए, ठीक है, जिसका जिसका बेटा एस है। देखो जिसका की अगर यूज की जा रहा है हुज, तो ये हुज हमेशा सेकंड पर्सन को डिनोट करता है, ठीक है, हुज हमेशा सेकंड पर्सन, तो पी ए के पिता है, तो पी इज द फादर ऑफ ए, पी इज द फादर ऑफ ए, ये आप लिखोगे, ठीक है, फादर ऑफ ए, हुज, हुज मतलब ए की बात की जा रही है, सेकंड पर्सन, तो पी ए के पिता है जिसका बेटा एस है, हुज सन इज एस, मतलब ए का बेटा कौन है, एस है। यहां तक क्लियर हो गया।
हिंदी वालों के लिए जिसका ए को डिनोट करेगा और इंग्लिश वालों के लिए हुज भी ए को सेकंड पर्सन को डिनोट करेगा। अगले पे आते हैं, बोल रहा है एल के की माँ है, ठीक है, एल के की माँ है, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि एल माँ है के की, एल इज द मदर ऑफ के, जो हु, एल इज द मदर ऑफ के, हु मतलब किसकी बात हो रही है, के की, जो भी हमेशा सेकंड पर्सन को डिनोट करता है, हु मतलब के एस की बहन भी है, के एस की बहन भी है, अगर के एस की बहन है, के एस की बहन है, सर्कल बनाते हैं फीमेल के लिए, अगर के एस की बहन है और एस उसकी माता है तो यहां से ए जेंडर मेल हो गया और एल उसकी वाइफ हो गई और ये पूरी की पूरी फैमिली क्रिएट हो गई, बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे मुझे जिसका बेटा एस है यहाँ पे मुझे एस का जेंडर भी पता है, ठीक है, चलिए तो यहाँ मेरे को हर किसी का जेंडर पता लग गया, सब लोग पता लग गया। इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर क्वेश्चन नंबर वन यदि मैं चेक करना चाहूं तो लिखा हुआ है ए का के से क्या संबंध है। देखो अगर उसने पूछा है कि ए का रिलेशन क्या है के साथ, तो ए की के पिता है, ए का रिलेशन के साथ क्या है, तो ए का रिलेशन के साथ ये है कि ए के पिता है। अगर वो ये पूछता कि के का संबंध ए के साथ क्या है, मतलब के ए के कौन लगते हैं, तो के ए का बेटा लगता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ध्यान रखना किसका किसके साथ पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखना है। ए का के साथ पूछा जा रहा है तो ए का रिलेशन बताना है के से, ठीक है। ए का एल से क्या संबंध है, तो ए एल का कौन लगता है, तो ए एल का पति लगता है, और एल ए की कौन लगती है, तो पत्नी लगती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन तो इसी में लिखा हुआ है कि P का L से क्या संबंध है, तो P L का क्या लगता है, तो ये करना चाहूं तो P L का क्या लगता है, P L का फादर इन लॉ मतलब ससुर लगता है, आंसर क्या आ जाएगा, ससुर, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये लॉजिकल का क्वेश्चन है आपके पास, लॉजिकल का क्वेश्चन थोड़ा हम ध्यान से करते हैं, तो लॉजिकल के अंदर यहाँ पे निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो लॉजिकल के क्वेश्चन के अंदर ये हमारे पास में कंक्लूजन का क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट हो गया और वो कंक्लूजन हो गया, ठीक है, जरा चेक करते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है कि युवा बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, इससे ये पता लग गया मुझे, स्टेटमेंट को मैं डेफिनेटली ट्रू मानूंगा, ठीक है, जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा लॉजिकल के तो मेरे लिए स्टेटमेंट हमेशा डेफिनेट ट्रू होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, मतलब जो उसमें कहा गया है वो सत्य है। अगर यहाँ पे युवा को महत्वाकांक्षी कहा गया है, मतलब युवा महत्वाकांक्षी है, तो युवा बहुत महत्वाकांक्षी है, ठीक है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और इसके नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट बताएगा कि अब इसका क्या प्रभाव है, बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं, मतलब इसका इसके साथ नेगेटिवली रिलेशन शो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि युवा बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं और इसी कारण से क्या हो रहा है, बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं, मतलब उनको पैसा कमाने की इतनी ललक है कि वो बुरी संगत में जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है, और ये मेरे को सही मानना है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट है। अब इस कही हुई इन दोनों बातों का निष्कर्ष आदमी क्या निकालेगा कि युवा महत्वाकांक्षी है और बुरे लोग उनको बिगाड़ रहे हैं, युवा पहला निष्कर्ष देखते हैं क्या ये हो सकता है, युवा को नहीं पता कि किस पर विश्वास किया जाए। तो देखो ऐसे स्टेटमेंट जो खुद ही अपने आप में डाउटफुल हो, ऐसे कंक्लूजन जो खुद ही अपने आप में डाउटफुल हो, वो कंक्लूजन की कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष होता है और वो डाउट की कैटेगरी में कभी भी नहीं आते, ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। सेकेंड देखते हैं, कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, हाँ ये क्यों सही हो जाएगा, मैं फिर से बता देता हूँ ये क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि हम अभी ऊपर बात करके आए हैं युवा बुरे प्रभाव की वजह से क्यों लक्ष्य भटक जाते हैं, क्योंकि वो महत्वाकांक्षी हैं और बुरी संगत अगर उन्हें इस तरह की मिल रही है जिससे वो कुछ कमा सकते हैं, तो उस कारण में वो बुरे प्रभाव के वजह से वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि वो महत्वाकांक्षी हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बात समझ में आ रही है सबको। चलिए तो हमेशा ध्यान रखो स्टेटमेंट और कंक्लूजन के क्वेश्चन में स्टेटमेंट को हमेशा डेफिनेट ट्रू मानना है, उसको कभी भी गलत नहीं मानना है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्लियर है। चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो जो अगला क्वेश्चन के पास में उस पे आता हूं मैं, यहां पे आंसर क्या लगा दोगे आप, ओनली सेकंड इज करता है। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये आपके पास में कैलेंडर का क्वेश्चन है, कैलेंडर का थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट बता देता हूँ। उसने बोला है कि यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार है, ठीक है, यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन जो है वो बुधवार है, तो आपको ये बताना है कि फरवरी 2011 का अंतिम दिन क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें चेक क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले फेब 2011 में जाना पड़ेगा,
तो फैब 2011 से जो मेरे पास में रिदम बन रहा है वो बन रहा है फैब 2012 तक का। बात समझ में आ रही है? और फैब 2012 का जो अंतिम दिन है, तो फैब 2012 का अंतिम दिन क्या होगा, तो 2012 चल रही है, एक लीप ईयर होता है 2012, और लीप ईयर का जो आखिरी मंथ दिन होता है वो क्या होता है, 29th होता है क्या कि 28th होता है। तो देखो जितने भी लीप ईयर होते हैं उनका आखिरी दिन जो होता है वो 29 होता है, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब निकलता है, मैं ये बताता हूँ आपको, इसका ये मतलब निकलता है कि उसके अंदर ऑड डेज होंगे या नहीं। देखो ये पूरी की पूरी चीजें हमें तभी पता लगेंगी जब हम कैलेंडर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारे को ये पता लग गया कि 29 डेज का होता है, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे पास में अब आगे क्या करना है मुझे। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो फरवरी 2012 के अंदर, 2012 के अंदर मेरे पास में जो फरवरी आ रही है वो 29 की आ रही है। तो 29 जो तारीख है, इस दिन कौन सा वार है, वेडनेसडे है, वेडनेसडे है। तो हमें ये बताना है अंतिम दिन 2011 का क्या होगा, 28th होगा, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, वो कौन सा दिन होगा। तो देखो सबसे पहले मुझे इस कंडीशन के अंदर क्या करना होगा, देखो मैं निकालूंगा पूरे साल के ऑड डेज। देखो ऑड डेज कैसे निकालते हैं, अगर मैं जनवरी की बात करता हूँ तो जनवरी के अंदर 31 डेज होते हैं। एक छोटा सा क्लू देकर के समझा रहा हूँ, और आपको ये पता होना चाहिए कि 7-7 के पेयर में काम करता है, हर मंथ 7-7 दिन का एक हफ्ता। तो इसका मतलब अगर 28 डेज है तब तो ऑड डेज जीरो हो जाएंगे, 28 से जितने ज्यादा होंगे उतने ऑड डेज बढ़ते जाएंगे। जनवरी में 31 दिन है तो कितने ऑड डेज हो गए, 3 ऑड डेज, का मतलब जो 7 से डिवाइड नहीं हो पा रहे, ठीक है। ऑड डेज कितने हो गए, 3, 28 के बाद 29, 30, 31। फेब में अगर मैं बात करता हूँ तो अगर इस 2011 की बात करूंगा तो इसमें 28 डेज होते हैं, इसलिए इसके अंदर मेरे पास में ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 0 ऑड डेज हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे ही हमें आगे बढ़ना है, जब हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से, तो अगर मैं बात करता हूँ मार्च की, तो मार्च के अंदर 31 डेज होते हैं, इसका मतलब उसमें 3। अप्रैल की अगर मैं बात करता हूँ 30 डेज होते हैं तो उसके अंदर 2। मई के अंदर 31 होते हैं तो 3। जून के अंदर 2, ठीक है मैं लिखता जा रहा हूँ। जुलाई के अंदर 3 क्यों होते हैं, क्योंकि 31, और अगस्त भी 31 का होता है इसलिए अगस्त में भी 3। सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। क्लियर है, ये सारे नंबर मैंने लिख लिए। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल के 7 से डिवाइड कर देना है, जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। बता देता हूँ मैं आपको, देखो फेब 28 है तो इसको तो मैं डे निकालना ही है मुझे, तो मैं क्या करूंगा मार्च से स्टार्ट करूंगा। तो पूरे मार्च में कितने हो गए, 3। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक के मैं निकाल लूंगा, और फिर जनवरी के वापस लिखूंगा क्योंकि अगले साल 2012 के लिए जनवरी देखनी है। 3 हो गए, और फेब के कितने दिन है मेरे पास, 2012 के अंदर, तो फेब के टोटल 28 डेज, क्योंकि 29 तो दिया हुआ है, तो 28 डेज के कितने हो गए, 0, ठीक है। चलो काउंट करते हैं इसको, ये हो गया 3 और 2 5, 5 और 5 10, टोटल मिला के ये 10 हो गए, 10 और 6 16, ठीक है। 16 और 5 21, 21 और 5 कितने हो गए मेरे पास में, 26, 26 और 3 29, कितने हो गए, 29 ऑड डेज हो गए। डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो जितने तक 7 से पूरा कट रहा है, कितने तक कट रहा है, 7 या 21, 7 चौक 28, 28 तक कट जाएगा तो कितना एक्स्ट्रा बचेगा, केवल एक एक्स्ट्रा बचेगा। समझने की कोशिश करना, जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझा दूंगा। इसका मतलब यहां से यहां तक में मेरे पास में केवल एक ऑड डे आया, कितने ऑड डे आ गए मेरे पास, केवल एक ऑड डे आया है मेरे पास, ठीक है। अच्छा एक ऑड डे तो ये आया है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट किया था, ये हमने मार्च से स्टार्ट किया था ना, अभी हमने 28 को तो काउंट किया ही नहीं है, मार्च से स्टार्ट किया था, इसका मतलब हम 1st ऑफ मार्च की बात कर रहे हैं कि 1st ऑफ मार्च जो होगा उससे लेकर के यहाँ तक का डिफरेंस, इसमें हमने 28 को काउंट नहीं किया। तो 28 को और मिला लें तो एक और डे तो मार्च से लेकर के फेब 2009 के अंतिम दिन तक का हो जाएगा, और एक और डे खुद अपने आप में 28 फरवरी हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों मिलके कितने और डे हो जाएंगे, 2 और डे। तो 2 और डे हमें क्या करना है, पीछे जाना है, क्या करना है, पीछे जाना है, और डेज को हमें घटाना है, जोड़ना नहीं है, क्योंकि पिछले साल में जा रहे हैं, अगले साल में जाते तो हम एक बार जोड़ते, लेकिन अभी हम पिछले साल में जा रहे हैं। तो अभी हम कहाँ पे, बुधवार में है, वेडनेसडे में है, ठीक है। और वेडनेसडे में से एक और डे माइनस करोगे तो आप ट्यूसडे पे आओगे, और ट्यूसडे में से एक और डे माइनस करोगे तो आप मंडे पे आओगे। बात समझ में आ रही है, फिर से समझा देता हूं। यहाँ पे 28 लिखा हुआ है, यहाँ 29 लिखा हुआ है, मैं इस 28 वाले डे को एक एक और डे मान के छोड़ देता हूँ,
और मैं स्टार्ट कहां से करता हूँ, मार्च, तो पूरी मार्च में 3 odd day, तो मैंने मार्च से स्टार्ट किया ना, तभी तो मैं 3 मान रहा हूँ, फिर अप्रैल मई जून सब करते हुए फरवरी में 0, क्योंकि 28 तक मुझे काउंट करना है अंतिम दिन, तो वहां तक में 0 हो गए, बात समझ में आ गई। और इन सबको मैंने जब जोड़ा तो 29 आया, उसको डिवाइडेड बाई 7 किया, तो 28 तक तो पूरा कट गया, केवल एक रिमाइंडर बचा, केवल हमें रिमाइंडर को याद रखना है, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा, 1, इसका मतलब मार्च से लेकर के अगले साल 2012 की फरवरी का आखिरी दिन तक 1 odd day, और 1 odd day इसका तो टोटल odd day 2, बस कुछ नहीं करना, बुधवार में से माइनस कर दो क्योंकि पीछे जा रहे, तो आंसर क्या आ जाएगा, सोमवार यानी मंडे। क्लियर है यहाँ तक सबको? अच्छा चैप्टर है, पढ़ाने में मजा भी आता है और पढ़ने में मजा आता है, मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन भी बहुत इजी है, मैथमेटिकल है थोड़ा सा। मुझे ये बताना है कि इन कौन से साइन का कॉम्बिनेशन लूं जिसको मैं आपस में इंटरचेंज कर पाऊं, इंटरचेंज करने से, ताकि मेरा आंसर 10 आ जाए, ठीक है। तो चेक करते हैं, देखो माइनस की जगह प्लस करोगे, माइनस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह माइनस करोगे, तो होगा क्या, ये तो छिड़ेगा नहीं 6, और इसके अंदर पहले आप इसको सॉल्व करोगे, और जैसे ही आपने इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, आंसर इंटीजर में नहीं आएगा, पॉइंटों में चला जाएगा, बात समझ में आ रही। तो पहला तो क्या हो गया, गलत हो गया, बात क्लियर है सबको, पहला क्या हो गया मेरे पास में, गलत हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैं ट्राई करता हूँ, तो दूसरे क्वेश्चन की यदि मैं बात करूंगा, तो सॉरी दूसरे ऑप्शन की बात करूंगा, तो डिवाइड और माइनस, तो डिवाइड की जगह माइनस आ जाएगा और माइनस की जगह डिवाइड आ जाएगा, बात समझ में आ रही है, माइनस की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह माइनस आ जाएगा। और इस केस के अंदर यदि मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो 6/4 आ गया मेरे पास में, वापस ये आंसर पॉइंटों में चला जाएगा, तो मैं इसको भी नहीं ले सकता। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड को यदि मैं सॉल्व करना चाहूं तो मल्टीप्लाई और डिवाइड को इंटरचेंज यदि मैं करता हूं तो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया आपके पास में, इसको भूल जाओ, ठीक है। तो जब आप ऐसे करोगे, हाँ तो अब हो सकता है क्योंकि 3 के बाद में +2/6 -4 × 5, चेक करते हैं, तो इसको जब आप करोगे तो वापस पॉइंटों में क्यों चला गया, क्योंकि 3 + 1/3 - 20 हो गया, तो ये सॉल्व करके आंसर 10 का भी नहीं आ सकता, ये भी गलत हो गया। फोर्थ वाला करते हैं, तो देखो फोर्थ वाला मैं लिख के ही करा देता हूं, तो देखो 2 प्लस की जगह क्या करना है, डिवाइड, प्लस की जगह डिवाइड कर दिया, ये 2, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई ही रहेगा, ये 6, माइनस की जगह -4 और डिवाइड की जगह प्लस हो जाएगा, इनको आपस में इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो अब बस सॉल्व कर लो इसको, पहले डिवाइड, तो देखो यहां से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 3/2 × 6 - 4 + 5, तो ये 2 से 3 कट गया, 3 ब्रेम्स कट गया 6, तो 3 × 3 हो गया 9, 9 - 4 + 5, तो इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो ये आपके पास आएगा 9 + 1 = 10, आंसर क्या हो गया, डी। यहां तक क्लियर है सबको? ये प्रीवियस ईयर में शिफ्ट नंबर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये पूरा सेट शिफ्ट नंबर 2 का है, ठीक है। तो ये रेंडमली उठाए हुए क्वेश्चन नहीं है, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ आप समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको इसके अंदर बिल्कुल भी टाइम ना लगाते हुए बहुत तेजी के साथ इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो ये आज की क्लास में इतना ही, कल फिर से मिलेंगे नए सेट के साथ में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।